जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। मंगल की मेरी कामना को अस्वीकार मत कीजिएगा महादेव। माता, 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 प्रभु को काशी प्रवास के दौरान पाषाण बनी अपनी माता के चैतन्य अवस्था में वापसी का उपाय मिल गया है माता। हाँ माता, और उस उपाय को प्राप्त करने हेतु प्रभु सुदूर एक रहस्यमय लोक की यात्रा पर जा रहे हैं। अब देवी अनुसुईया ठीक हो जाएंगी माता। हिस्से में लोक की यात्रा? हाँ माता। क्या वो उस रहस्यमय लोक पर अकेले जा रहे हैं? हाँ माता। नहीं नंदी, नहीं, उनके लिए इस रहस्यमय लोक की लंबी यात्रा पर अकेले जाना कदापि उचित नहीं है। उन्हें वहां अकेले नहीं जाना चाहिए, हमें उन्हें रोकना होगा नंदी। फिर तो उन्हें आप ही रोक सकती हैं माता। आप मेरा अपमान कर रहे हैं, मेरा और मेरी भावनाओं को उपहास उड़ा रहे हैं। यदि आपको मेरी हंसी अपमान और उपहास का सरदंश लग रही है तो अविलंब चले जाइए। क्या हुआ माता, आपके ललाट पर चिंता और मुखमंडल पर उदासी की रेखाएं क्यों उभर आईं? मैं उन्हें किस मुंह से जाकर मना करूं नंदी? माता, आप उनकी सबसे अच्छी मित्र हैं और मित्र कभी मित्र की बात नहीं टालते। आप प्रयत्न तो कीजिए। कभी मित्र थी नंदी, अब उनकी ये मित्र उनके लिए मृत हो चुकी है। मैं ही उनके दुख का कारण हूं नंदी, वो मेरी कभी नहीं सुनेंगे। इसलिए तुम जाओ नंदी, तुम तो महादेव की प्रिय सवारी हो ना, तुमने तो अनेकों बार उनकी सहायता की है, इस बार भी तुम ही जाओ नंदी। ठीक है माता, मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु पहले उन्हें न जाने के लिए रोकने का प्रयत्न करूंगा, उन्हें समझाऊंगा, और फिर भी यदि प्रभु नहीं माने तब मैं उन्हें वहां अकेले नहीं जाने दूंगा माता। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता। आज्ञा है नंदी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।